है। ओह हो, मुझे ही डर लग रहा है। तो इस तरह लगाएंगे। अरे भगवान, बहुत भयंकर लग रही है। बस अगर आप इस पैरों की सेकंड उंगलियों में के साउंड से परेशान हैं तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही कारगर 100% इफेक्टिव घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, जो केवल 2 दिन में आपकी जो फंगल इन्फेक्शन है उसे खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूँ, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है और एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है आपके इसी चैनल पर श्रुति गुप्ता, जहाँ पे मैं हेल्थ और ब्यूटी को लेकर बहुत सारे वीडियोज आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ, फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, और आपको बता दूँ इस टाइम मैं इस फंगल इन्फेक्शन को झेल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पैरों की बनावट कुछ ऐसी है, छोटी छोटी सी उंगलियां हैं मेरी, जिसकी वजह से हवा क्रॉस नहीं होती है और अक्सर मुझे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको बता दूं फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। दोस्तों जो हमारी स्किन और हेयर है वो कैरोटीन नामक एक प्रोटीन से बनता है। कैरोटीन प्रोटीन के ऊपर जब नमी बैठती है, ठीक है, और जब पसीना बैठता है तो वो फंगस में फैल जाता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। होता ये है कि जब हमारे पैरों की उंगलियां की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हवा क्रॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वही रह के सड़ता रहता है, जो पसीना है वही रह के सड़ता रहता है, एक तरह की सड़न पैदा करता है, और ये सड़न हमारी उंगलियों को सड़ा देता है, हमारी स्किन को काट देता है। कभी कभी ये जो सड़न होती है मवाद के रूप में भी आती है, कभी कभी ब्लड के रूप में भी आती है, और कभी कभी इतना दर्दनाक होता है उसको टच करने में ना जान निकल जाती है। भाई मैं बता रही हूँ, मैं तो झेलती हूँ इस प्रॉब्लम को, एंड खुजली भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका सबसे पहला उपाय ये है कि हमें बराबर, अगर आपको ये दिक्कत होती है तो बराबर नमी को ना जमने दें, पाउडर वगैरह आप हमेशा लगाते रहें। लेकिन अगर आपको हो गया है तो आप क्या करेंगे, मैं इससे पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और आप लोग के साथ ही बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के आई बटन पे और वीडियो के इन में आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। लेकिन आज मैं उससे भी जबरदस्त नुस्खा आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको भी जरूर ट्राई करना। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है नेल पॉलिश रिमूवर। आप कहोगे श्रुति शायद ये फेक वीडियो है, लेकिन बिल्कुल भी फेक नहीं। मैं बता दी, 2 दिन के अंदर आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे लगाने वाली हूँ और लगाने के साथ ही आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको अपना फंगल इन्फेक्शन बता दूँ और बता दूँ कि आपको इसे कैसे लगाना है। तो चलिए चलिए मैं आपको दिखा दूँ अपना फंगल इन्फेक्शन। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही दर्दनाक है, पूरी उंगली है वो, ऐसा लगता है कि उंगली कट के अलग हो जाएगी। ये जो हुआ है वो एक्चुअली पुरानी स्किन जाती है तो नई स्किन आती है, तो वो प्रोसेस चल रहा है, इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो नई स्किन है वो आएगी, लेकिन असल प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक्चुअली मेरे पैरों की बनावट देख सकते हो, कितनी छोटी छोटी सी उंगलियाँ हैं मेरे पैरों की, और हवा जो है वो क्रॉस नहीं होती, पसीना यहाँ सड़ता रहता है और पानी जो है वो यहाँ पर सड़ता रहता है, और इस सड़न से ये हमारी जो स्किन है वो कट जाती है, जिसे कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। यार बड़ा ही दर्दनाक होता है ये इन्फेक्शन। तो आपको बता दूँ इसे करना क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली नेल पॉलिश रिमूवर अल्कोहल होता है, स्प्रिट होता है, तो अल्कोहल जो होता है वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, इन्फेक्शन को मार देता है। लेकिन जब आप इसे लगाएंगे ना तो आपको लगेगी बहुत तेज। बचपन में आपने टिंचर लगाया है, वो जो दवा होती है जब चोट लगती है तब लगाया जाता था, भयंकर लगती थी, कुछ टिंचर की तरह ही लगती है। ओह हो, मुझे ही डर लग रहा है। तो इस तरह लगाएंगे। अरे भगवान, बहुत भयंकर लग रही है। बस कुछ सेकंड का दर्द है, पर ये दर्द ना बहुत ही दर्दनाक है, बता रही हूँ, जान निकली जा रही से लगाकर। बट आप इसे 2 दिन लगाओगे, दिन में कई बार लगाना होता है, प्लस अपनी उंगली की सफाई भी करते रहें, ठीक है, और पाउडर भी मौका मिले तो पाउडर भी थोड़ा सा लगाते रहें। इस तरह अपने जहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे भी लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट बनी रहती है और ये दर्दनाक होता जाता है। तो इस तरह आप 2 दिन अगर लगाते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं मानती हूँ जिनकी उंगली बड़ी बड़ी है उनमें गैप है ना, वो दुनिया के लकी इंसान है। फिलहाल तो मैं बहुत ही अनलकी हूँ, और ये जो रोग है छोटा सा, पर ये बहुत ही दर्दनाक है। तो अगर आप भी फंगल इस घरेलू नुस्खे को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। दोस्तों कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर, इस घरेलू नुस्खे को लेकर, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
और बहुत ही भयंकर गर्मी है, आप देख सकते हो मैंने फैन एंड कूलर ऑफ कर रखा है ताकि मैं आप लोग के लिए एक अच्छा वीडियो बना सकूं, बिल्कुल भी नॉइज ना आए जो आपको इरिटेट करे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।